Hello students, currently we are in first lecture of our chapter surface tension जिसके total दो sessions है, session A and session B. We are already done with session A जिसमें हमने पढ़ा examples related to surface tension, then हमने पढ़ा elementary terms like intermolecular force जो दो type के होते हैं, cohesive force and adhesive force, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, सरफेस फिल्म, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. यूजिंग ऑल दिस एलिमेंट्री टर्म्स वी अंडरस्टूड मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड देन हम लोगों ने सरफेस टेंशन का डेफिनेशन लिखा. हमने लिखा द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स ऑन आइदर साइड of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid is called as surface tension. So as per formula, surface tension T is equals to force per unit length. ये हमने session A में पढ़ा. अब problem ये है, numericals हम directly इससे solve नहीं कर पाएंगे एंड डेरिवेशंस में भी हम इसे डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे. हमें इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करना पड़ेगा एंड वहां से मेरा फर्स्ट लेक्चर का दूसरा सेशन यानी सेशन बी स्टार्ट होगा, जब हम लोग ये एल को एल सी से रिप्लेस करेंगे. स्टूडेंट्स, एल सी डिनोट्स इन दिस फॉर्मूला, एल सी डिनोट्स लेंथ in contact between the solid surface and the free surface of the liquid. Session A में हमने पढ़ा T is equals to F upon L. सेशन बी में हम फॉर्मूला को मॉडिफाई कर रहे हैं. वी आर रिप्लेसिंग एल बाय एल सी एंड दैट एल सी विल डिनोट लेंथ इन कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. बच्चों, द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद एयर इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. ये एफ क्या होगा? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. ये टी क्या होगा? सरफेस टेंशन. तो अभी मैं आपको टेबुलर फॉर्म में अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एलसी कैसे यूज करना है ये समझाने वाला हूं. आई एम स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्ट लाइक थिन वायर. Definition of surface tension will help you in this. Students, consider करिए, this is free surface of the liquid. Okay. अब ये जो free surface of liquid है, blue use कर लेते हैं, उसके ऊपर आप एक thin wire consider करिए. क्या length है ये thin wire का? L. तो बच्चों, कहलाए से ये जो thin wire है it is able to float on the surface of water, right? So can I say ये जो thin wire है वो दोनों तरफ free surface of liquid के साथ contact बना पा रहा है. So in case length of the wire is L, length of contact यानी LC will be 2L. आप check कर लीजिए, ये जो थिन वायर है इसका लेंथ कितना है? एल है. सो कैन आई से, अगर आप इसको एग्जैक्टली सेंटर में कंसीडर करो तो आप ऐसा समझिए कि राइट में क्या ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ कांटेक्ट बना पा रहा है? यस सर. क्या ये लेफ्ट में फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ कांटेक्ट बना पा रहा है? यस सर. तो बच्चों, दोनों तरफ कांटेक्ट बन रहा है ना. एंड मैं आपसे कह रहा था आप इसमें सरफेस टेंशन का जो डेफिनेशन है वो भी यूज कर सकते हैं. कैसे? द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड.
तो बच्चों अगर थिन वायर का लेंथ एल दिया होगा, सो लेंथ इन कॉन्टैक्ट एल नहीं 2L होगा, बिकॉज दोनों तरफ वो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ कॉन्टैक्ट बनाएगा। अरे समझेगा, थिन वायर का लेंथ इन कॉन्टैक्ट 2L। अब थिन वायर के जैसा ही डायग्राम नीडल के लिए भी तो बनेगा। सो फॉर अ नीडल ऑल्सो वो दोनों तरफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ कांटेक्ट बना पाएगा। दैट इज द रीजन थिन वायर हो या फिर नीडल हो, लेंथ इन कांटेक्ट विल बी सेम 2L। बच्चों इसके बाद वी कैन थिंक अबाउट सर्क्यूलर प्लेट, देन सर्क्यूलर फ्रेम, देन रेक्टेंगुलर प्लेट, देन रेक्टेंगुलर फ्रेम, देन स्क्वायर प्लेट, देन स्क्वायर फ्रेम। सो स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपने थॉट जनरेट किया होगा कि सबसे पहले हमें प्लेट एंड फ्रेम में डिफरेंस मालूम करना है। सो मैं सर्क्यूलर प्लेट आपके सामने ड्रॉ करना चाहूंगा। सर्क्यूलर प्लेट बच्चों, सर्क्यूलर प्लेट मतलब ये पूरा सॉलिड है। ये जो सर्क्यूलर प्लेट है ये पूरा सॉलिड है और इसका रेडियस कितना है बच्चों, आर है। सो अगर आप ऐसा कंसिडर कर रहे हो दैट ये सर्क्यूलर प्लेट फ्लोट हो रहा है ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, तो इसका लेंथ इन कॉन्टैक्ट क्या होगा, जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, क्या सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, 2 पाई आर। सो फॉर अ सर्क्यूलर प्लेट लेंथ इन कॉन्टैक्ट होगा 2 पाई आर। तो सर फ्रेम कैसा दिखेगा? स्टूडेंट्स यू कंसीडर दैट हम लोगों ने एक वायर को सर्कल का शेप दे दिया। आई रिपीट, हमने एक वायर को सर्कल का शेप दे दिया। एंड बच्चों मैं थिन वायर कंसीडर करूंगा एट दिस स्टेज टू मेक यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन सर्क्यूलर प्लेट एंड सर्क्यूलर फ्रेम। तो बच्चों हमने एक पतले वायर के हेल्प से सर्कल फॉर्म कर दिया। सो कैन आई से स्टूडेंट, ये तो खाली है ना बीच वाला सेक्शन इतना, तो बच्चों जब ये सर्क्यूलर सेक्शन, जब ये सर्क्यूलर सेक्शन लिक्विड के फ्री सरफेस पे फ्लोट होगा तो बाहर के तरफ भी कांटेक्ट बनाएगा, अंदर के तरफ भी कांटेक्ट बनाएगा। सो स्टूडेंट्स बाहर के तरफ इसका लेंथ इन कॉन्टैक्ट कितना होगा, 2 पाई आर। अंदर के तरफ भी इसका लेंथ इन कॉन्टैक्ट कितना होगा, 2 पाई आर। थिकनेस तो नेगलिजिबल है ना बच्चों, सो टोटल विल बी 4 पाई आर। बच्चों ये फ्रेम है एंड ये प्लेट है, डिफरेंस समझेगा, ये प्लेट है ये फ्रेम है, शेप कैसा है दोनों का, सर्कुलर। तो इसे हम नाम देंगे सर्कुलर प्लेट, जिसका लेंथ इन कॉन्टैक्ट विल बी 2 पाई आर, जिसका सिर्फ बाहर का सरफेस ही लिक्विड के फ्री सरफेस के साथ कांटेक्ट बना पाएगा। यू चेक फॉर सर्क्यूलर फ्रेम, बाहर जो लेंथ इन कांटेक्ट होगा वो 2 पाई आर, अंदर जो लेंथ इन कांटेक्ट होगा वो भी 2 पाई आर। सो टोटल लेंथ इन कांटेक्ट ऑफ दिस सर्क्यूलर फ्रेम विद द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विल बी 4 पाई आर, टोटल विल बी बच्चों 4 पाई आर। तो बच्चों सबसे पहले मुझे आपको डिफरेंस समझाना था बिटवीन प्लेट एंड अ फ्रेम। शेप तो आपको समझेगा, सर्कल सर्कल राइट, सो दिस विल बी सर्कुलर प्लेट, दिस विल बी सर्कुलर फ्रेम, लेंथ इन कांटेक्ट है आपके सामने। अच्छा स्टूडेंट्स ये जो सर्कुलर फ्रेम है इसको देखिए, क्या मैं इसे लूप नहीं कह सकता, कह सकते हैं ना, क्या मैं इसे रिंग नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ सर्कुलर फ्रेम आपको क्वेश्चन में लूप या फिर रिंग भी दिया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए उसका लेंथ इन कॉन्टैक्ट इज 4 पाई आर। ओके सर्क्यूलर प्लेट सर्क्यूलर फ्रेम डन।
and mainly we understood the difference between plate and frame. अब बाद में हमारे पास है rectangular plate and rectangular frame. ये लीजिए students. This will be a rectangular plate. पूरा solid है बेटा ये. Wire के help से rectangle बना दो. This will be called as rectangular frame. बेटा यहाँ पे खाली है, solid नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे solid है, इसका मतलब ये plate है. And बच्चों ये दूसरा वाला है वो frame है. क्या लेंथ है इसका? L. क्या ब्रेथ है? B. क्या लेंथ है? L. क्या ब्रेथ है? B. स्टूडेंट्स लेंथ इन कॉन्टैक्ट बताइए रेक्टेंगुलर प्लेट का. L B L B. तो बच्चों टू टाइम्स ऑफ L प्लस B. बेसिकली पेरीमीटर ही तो यूज करना है. फॉर अ रेक्टेंगुलर प्लेट लेंथ इन कॉन्टैक्ट इज टू टाइम्स ऑफ L प्लस B. वॉट अबाउट रेक्टेंगुलर फ्रेम? बाहर जो लेंथ इन कॉन्टैक्ट होगा बाहर के तरफ, दैट विल बी टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी. अंदर जो लेंथ इन कॉन्टैक्ट होगा वो भी होगा टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी. सो टोटल लेंथ इन कॉन्टैक्ट होगा स्टूडेंट्स फोर टाइम्स ऑफ एल प्लस बी. स्टूडेंट्स माइंड यू मैं ये फॉर्मूला लिखते समय थिकनेस को नेग्लेक्ट कर रहा हूं. रेक्टेंगुलर प्लेट व्हाट इज द आंसर ऑफ एल सी? टू टाइम्स ऑफ एल प्लस बी. Rectangular frame, what is the answer of LC? 4 times of L plus B. Okay. अब rectangle के बाद square का turn आएगा. ये erase कर देता हूँ बेटा मैं formula. T is equals to F upon LC. Okay. LC मतलब length in contact between the solid surface and the free surface of the liquid. Now we are going to discuss about square plate and square frame. This is a square plate, completely solid hai beta. Iska side main assume kar raha hu A. For a square, all the four sides are equal, right? So A, 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 A. जब ये liquid के free surface पे float होगा, so इसका length in contact कितना होगा? 4A होगा. ये square plate है. अच्छा square frame कैसा दिखेगा बच्चों? आप चार पतले wires ले लीजिए और आप उनके help से एक square structure बना दीजिए. तो बच्चों आप समझे अंदर खाली है, right? तो जब ये लिक्विड के फ्री सरफेस पे फ्लोट होगा तो बाहर भी कांटेक्ट बनेगा, अंदर के तरफ भी कांटेक्ट बनेगा विद द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. मतलब ये फ्रेम है, ये प्लेट है. मैं रिपीट करता हूँ, ये प्लेट है, ये फ्रेम है, क्योंकि फ्रेम में दोनों तरफ कांटेक्ट बनता है, अंदर के तरफ बाहर के तरफ, राइट? अच्छा बच्चों यहाँ पे लेंथ इन कॉन्टैक्ट कितना होगा? टेल मी. इट विल बी 8. बाहर के तरफ 4a, अंदर के तरफ 4a, टोटल इट विल बी 8. आ जाइए टेबल पे. स्क्वायर प्लेट लेंथ इन कॉन्टैक्ट होगा 4a. स्क्वायर फ्रेम लेंथ इन कॉन्टैक्ट होगा बेटा 4a बाहर 4a अंदर, टोटल इट विल बी 8. इज दैट फाइन? ओके. अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये आपने थर्ड केस में रिंग ले लिया, आपने एलसी लिख दिया 4 पर और वो लिखते समय आपने थिकनेस को नेग्लेक्ट किया था. सर अगर थिकनेस को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा. स्टूडेंट्स इन केस आप थिकनेस को कंसीडर कर रहे हो, मतलब अंदर का रेडियस बाहर का रेडियस अलग हो. मैं आपको ड्रॉ करके समझा रहा था, राइट? ये देखिए बेटा, this is basically a tube, this is basically a ring. लिख सकते हैं हम यहाँ पे tube और ring.
जिसका थिकनेस आप कंसीडर कर रहे हो तो मैं लिखना चाहूंगा विथ 2 रेडियाई इन द डेटा. इट मीन्स वी आर कंसीडरिंग 2 डिफरेंट रेडियस, राइट? अंदर का रेडियस, बाहर का रेडियस, मतलब हमने थिकनेस को कंसीडर किया है बच्चों. ओके, इनर रेडियस बेटा R1 ले लेते हैं एंड आउटर रेडियस वी आर कंसिडरिंग R2. अरे समझ रहा है बेटा, एक मिनट, ब्लू से मैं सॉलिड जो सेक्शन है वो आपको बता दू. ब्लू से बेटा मैं सॉलिड सेक्शन आपको बता रहा हूं. ओके, सो इनर रेडियस इज R1, आउटर रेडियस इज R2. यहां हम लोग थिकनेस को कंसिडर कर रहे हैं. तो बच्चों कांटा ऐसे, R1 जो है वो इनर रेडियस है, जो R2 है वो आउटर रेडियस है. सो R1 प्लस थिकनेस T विल गिव यू R2. जरूरत पड़ने पे ये भी यूज किया जा सकता है. बाय द वे LC कितना होगा, लेंथ इन कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. स्टूडेंट्स, इफ दिस रिंग इज फ्लोटिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, कैन आई से अंदर के तरफ कॉन्टैक्ट बनेगा, तो उसका लेंथ, उसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई R1. कैन आई से बाहर के तरफ भी कॉन्टैक्ट बनेगा, सो उसका लेंथ यानी उसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई R2. सो टोटल लेंथ इन कॉन्टैक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, यू कैन टेक 2 पाई कॉमन. So inside the bracket you will get R1 plus R2. तो बच्चों length in contact मिल गया. 2 pi times of R1 plus R2. Students, you can consider a special case. R1 and R2 दोनों same है. मान लेते हैं वो R है. Use करिए formula. You will get LC is equals to 2 pi into R plus R. That has to be 2R. Total क्या होगा बेटा? Yes, 4 pi R. अरे वही तो है. और बच्चों वैसे भी दोनों radius same कब होगा? जब आप thickness को neglect कर रहे हो. वही तो हम लोगों ने third case में किया हुआ है. यहाँ पे third जो हमने यहाँ पे serial number लिखा. For a circular frame याने loop याने ring जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, मतलब अंदर का रेडियस बाहर का रेडियस सेम है, सो उसका LC विल बी 4 पाई. ओके, ये हो गया. अब हम ये फॉर्मूला, ये स्पेशल केस बेटा मैं हटा रहा हूं, हम ये फॉर्मूला देख रहे थे स्टूडेंट्स. LC इज इक्वल्स टू 2 पाई टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2, परफेक्ट. अब एक काम किया जा सकता है, 2 पाई वी कैन टेक एज इट इज, R1 as it is बेटा, आप R2 को replace कर सकते हो with R1 plus T, thickness की भी जरूरत पड़ सकती है formula में, so आपको मिलेगा 2 pi times of 2R1 plus T, substitute कर लेते हैं वहाँ पे, alternate formula in terms of thickness and R1, 2 pi into, tell me students, 2R1 plus T, okay, अच्छा, और एक step हो सकता था, हमने R2 को रिप्लेस किया ना विद दैट फार्मूला, हम R1 को रिप्लेस कर सकते थे, हम LC को लिख सकते थे 2 पाई एज इट इज बेटा, द होल इनटू क्या है तुम्हारे पास, R1 प्लस R2. R1 को बेटा आप लिख सकते थे R2 माइनस T. अरे समझेगा, R1 है ना यहाँ पे, आप R1 को लिख सकते थे R2 माइनस T प्लस R2 एज इट इज बेटा, प्लस R2 as it is. What is the total? 2 pi तो है ना? Into है. Yes, R2, 2R2 minus T. So, आप LC का और एक formula यहाँ फ्रेम कर सकते थे, बट आप लिख सकते थे 2 pi the whole into 2R2 minus T. So, students, I think this table is very much useful to you. जिसे आप लोग numericals and डेरिवेशंस इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो. अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. आई हैव प्लान्ड दैट हम 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले. टेबल आपका अच्छी तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा एंड आपको ये भी समझ आएगा अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग LC कैसे यूज करना. ओके,
जो टेबल आपको दिया उसको रिवाइज करो बेटा, थिन वायर से लेके नीडल से लेके ट्यूब और रिंग विथ 2 रेडिया इन द डेटा, रिवाइज करो उसको, न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, टेल मी स्टूडेंट्स, आप थिन वायर के लिए एलसी क्या लेने वाले हो? 2L, नीडल 2L, सर्कुलर प्लेट 2πr, सर्कुलर फ्रेम 4πr, सर्कुलर फ्रेम को हम लूप भी कहते हैं, रिंग भी कहते हैं, एलसी विल बी 4πr, रेक्टेंगुलर प्लेट 2 × L + B, रेक्टेंगुलर फ्रेम 4 × L + B, स्क्वायर प्लेट 4a, स्क्वायर फ्रेम 8a, ट्यूब और रिंग विद 2 रेडिया इन द डेटा, यू विल यूज एलसी इज इक्वल टू 2π × R1 + R2। अब न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। राइट डाउन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अ यू शेप्ड वायर is dipped in a soap solution and removed the thin soap film formed between the wire and the light slider supports a weight of 1.5 × 10⁻²⁺ N, ब्रैकेट में दिया गया है, विच इंक्लूड्स द स्मॉल वेट ऑफ द स्लाइडर, देन द लेंथ of the slider is 30 cm. आगे, what is the surface tension of the film? Question mark, NCERT का question है ये। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यू शेप वायर, यू शेप वायर, स्लाइडर supports some weight, slider supports some weight, this is that weight, let's say that weight is W, the length of the slider is something, what is the surface tension of the film? Okay, so students, हमें question में बताया गया है that a U-shaped wire is dipped in soap solution and removed. अब जैसे ही हम ये वायर को, यू शेप वायर को सोप सॉल्यूशन के बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ सोप फिल्म, इजंट इट? ओके, अब ये जो सोप फिल्म का इसके ऊपर फॉर्मेशन हुआ है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होगा जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन the free surface of liquid will always tend to contract, that is minimize its surface area, so surface tension ke wajah se ye slider ke upar
एक फोर्स एक्ट होगा ऊपर के तरफ। बच्चों ऊपर के तरफ मतलब समझे आप, तभी तो ये सोप फिल्म का सरफेस एरिया मिनिमाइज हो पाएगा। स्टूडेंट्स मैं इसको कह रहा हूं एफ, एफ यानी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एफ ड्यू टू सरफेस टेंशन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विल टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फोर्स ऊपर की तरफ। एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स ये फोर्स एफ वेट को बैलेंस कर पाएगा। ओके क्वेश्चन को स्टार्ट टू एंड एक बार पढ़ लेते हैं। अ यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव्ड। द थिन सोप फिल्म फॉर्म्ड बिटवीन द वायर एंड द लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स सम वेट। हाउ मच इज दैट? 1.5 इंटू 10^-2 न्यूटन। स्टूडेंट्स आप इसे W लिखिए आप इसे F लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज न्यूमेरिकली तो दोनों सेम है ना। ये वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन F, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा 1.5 इंटू 10^-2 न्यूटन, विच इंक्लूड्स द स्मॉल वेट ऑफ द स्लाइडर। ओके द लेंथ ऑफ द स्लाइडर, बेटा लेंथ ऑफ दिस स्लाइडर इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर। वॉट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म? सरफेस टेंशन T = क्वेश्चन मार्क। बच्चों डेटा वेट दिया हुआ है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट सरफेस टेंशन है। ये लेंथ प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, हमें मीटर में रिक्वायरमेंट है इसका। 30 × सेंटीमीटर स्टूडेंट्स 10^-2 मीटर, आप टोटल कर लीजिए 3 × 10^-1 मीटर। ऑलराइट नाउ एज पर द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन हम कहते हैं सरफेस टेंशन T = एफ डिवाइड बाय एल या एलसी। बच्चों एलसी ना, न्यूमेरिकल्स के लिए डेरिवेशन के लिए तो एलसी लेना है। एलसी मतलब लेंथ इन कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन टी का रिक्वायरमेंट है, कीप इट एज इट इज। एफ का वैल्यू फोर्स का वैल्यू गिवन, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों अब एलसी क्या लोगे? स्टूडेंट्स जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है क्या वो पूरे ये यू शेप्ड वायर पर एक्ट हो रहा है? नहीं, दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज एक्टिंग ओनली ऑन द स्लाइडर। आई रिपीट, ओनली ऑन द स्लाइडर। यू कैन कंसिडर अ स्लाइडर एज अ थिन वायर, एंड फॉर अ थिन वायर लेंथ इन कॉन्टैक्ट हम जानते हैं 2L होता है, राइट? चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सरफेस टेंशन T = F, F का वैल्यू वेट W का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10^-2 न्यूटन डिवाइड बाय 2 times of L यानी 2 times of L का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 × 10^-1, राइट? कैंसिलेशन कर लो बेटा 2 times, सो दिस विल बी 1/2 × 4 × 10^-1 मीटर। सो ये टोटल आप कर लीजिए 0.25 × 10^-1 और यू से 2.5, so you will be getting × 10^-2, 2.5 × 10^-2 न्यूटन पर मीटर। ये रिक्वायर्ड सरफेस टेंशन का वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए, सरफेस टेंशन टी हमने फाइंड आउट कर लिया 2.5 × 10^-2 न्यूटन पर मीटर।
Next question. The surface tension of water is 0.072 Newton per meter. Find the vertical force required to detach a floating pin of length 2.5 centimeter from the surface of water. The surface tension of water is 0.072 Newton per meter. Find the vertical force required to detach a floating pin of length 2.5 centimeter from the surface of water. So, data, surface tension T given 7.2, I am shifting 2 places. So, into 10 raised to minus 2 Newton per meter as it is. Find the vertical force required to detach a floating pin. Students, pin float kar pa raha hai because of force due to surface tension. So, hume agar usse detach karna hoga water ke surface se, to hume utna hi force apply karna padega jitna force due to surface tension hota hai. Basically, aapko F find out karna hai. Ye aapka requirement ho gaya. What else? Floating pin of length given 2.5 centimeter, that is into mein aap likh dijiye 10 raised to minus 2 meter from the surface of water, right? So, as per basic formula of surface tension, hum kehte hai T is equals to F upon LC. Aapko F find out karna hai, how much force is required, F aapko find out karna hai. F को आप लिख लीजिए T multiplied by LC. बेटा T को as it is रखो ना, T का value तो दिया हुआ है surface tension का, into LC. Students, यहाँ जो pin आपको दिया हुआ है, इसका diagram जो है वो thin wire के तरह बनेगा, या फिर आप कह सकते हैं needle के तरह बनेगा, जिसके लिए LC हम जानते हैं 2L होता है. So F का हमें proper formula मिल गया. चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. F is equals to surface tension T, which is 7.2 into 10 raised to minus 2 into 2L, यानि 2 times of L length दिया हुआ है पिन का, 2.5 into 10 raised to minus 2, total करिए students, this will be 5, 7.2 into 5, this will give you 36, into 10 raised to minus 4, minus 2, minus 2, minus 4. So, total aap kar dijiye ise 3.6. Into mein aap kar dijiye bachcho 10 raised to minus 3. So, aapko force F ka value mil gaya 3.6 into 10 raised to minus 3 Newton. Easy question tha beta aapke liye. F 3.6 into 10 raised to minus 3 Newton required force.
Next question. Calculate the force required to take away a flat circular plate of radius 0.01 meter from the surface of water. The surface tension of water is 0.075 Newton per meter. Calculate the force required to take away a flat circular plate of radius 0.01 meter, that is 10 raised to minus 2 meter radius. Object ka shape hum data mein likhna chahenge. It will be circular plate. Turant LC hume strike hoga. LC for circular plate hota hai 2 pi r. Again, from surface of water, surface tension of water T is equals to, I am shifting two places, so 7.5 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. Perfect? Okay. तो बच्चों डेटा में हमें ऑब्जेक्ट का शेप बताना था, हम बता चुके. सर्कुलर प्लेट, रेडियस गिवन, सरफेस टेंशन गिवन. रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट्स? फोर्स एफ हमें फाइंड आउट करना है. सो रिक्वायरमेंट विल बी फोर्स एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट्स हमें पूछा गया है फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे अ फ्लैट सर्क्यूलर प्लेट, लेकिन हम जानते हैं ये फोर्स बिल्कुल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन से मैच करेगा. तो मैं बेसिकली इतना ही लिख रहा हूं, F is equals to question mark, right? यानी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हमें फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन T का बेसिक फॉर्मूला F अपॉन LC, right? सरफेस टेंशन T is equals to F अपॉन LC, हमें F फाइंड आउट करना है, which can be taken as T into LC. सरफेस टेंशन टी एज इट इज बच्चों लेंथ इन कॉन्टैक्ट कितना होगा, सर्क्यूलर प्लेट है ना, 2 पाई आर. आगे सरफेस टेंशन टी का वैल्यू स्टूडेंट्स 7.5 इनटू 10 रेज टू माइनस 2 न्यूटन पर मीटर इनटू 2 एज इट इज. पाई का वैल्यू बेटा 3.142 इनटू रेडियस 10 रेज टू माइनस 2. टोटल करिए आप इसे, 7.5 into 2, 15 into 3.142 as it is, into you get 10 raised to minus 4. So, ye ho jayega students, 47.13 into 10 raised to minus 4. Aap ek decimal shifting kar lijiye. You can take it as 4.713, shifting one place, right? So, into 10 raised to minus 3, and this is the value of F, yani force ka jo requirement hai, wo hai 4.713 into 10 raised to minus 3 Newton. This much is the force required to take away a flat circular plate.
Next question. A horizontal circular loop of a wire of radius 0.02 meter is lowered into crude oil and a film is formed. Then the force due to surface tension of the liquid is 0.0113 newton. Calculate the surface tension of the crude oil. Calculate the surface tension of the crude oil, bachcho. A horizontal circular loop. Data mein likhna hai object ka shape. Circular loop. So that आपको तुरंत LC strike हो जाए. LC कितना होगा बेटा circular loop का? 4 pi r of radius, circular loop of radius 0.02 meter, that is 2 into 10 raised to minus 2 meter is lowered into crude oil and a film is formed. Okay, the force due to surface tension of the liquid is given. Force due to surface tension F is given 0.0113 newton, that can be taken as 1.13. Shifting two places, so 10 raised to minus 2 newton. What else? Calculate the surface tension of the crude oil. Requirement. Surface tension T is equals to how much for crude oil? Basic formula of surface tension T is equals to F upon LC. Surface tension T find out karna hai. As it is rakhiye. F as it is rakhiye. LC beta kitna loge? आपको बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर लूप है. कितना बताया लेंथ इन कांटेक्ट? 4 पाई आर. वैल्यूज है, चलिए सब्स्टिट्यूट करिए. एफ का वैल्यू इट विल बी 1.13 इनटू 10 रेज टू माइनस 2 न्यूटन द होल अपॉन 4 पाई आर, दैट इज 4 इनटू पाई स्टूडेंट्स 3.142 इनटू रेडियस 2 into 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2 आप cancel कर लीजिए. You will take it as 1.13 divided by this will be 4 pi यानि 12.57 into 2. आप इसे ले लीजिए 1.13 the whole upon 25.14. Okay, so that can be taken as 4.495 and you will be shifting two places, so 10 raised to minus 2 beta 4.495 into 10 raised to minus 2 and this is the value of surface tension, so SI unit will be Newton per meter. Okay, surface tension T of that crude oil is 4.495 into 10 raised to minus 2 newton per meter.
Next question. A glass tube has inner diameter 1 millimeter and outer diameter 1.1 millimeter. When it is kept vertical and partially dipped in water, calculate the downward pull due to surface tension. ब्रैकेट में सरफेस टेंशन ऑफ वाटर का वैल्यू दिया हुआ है 75 डाइन पर सेंटीमीटर. अ ग्लास ट्यूब हैज इनर डायमीटर 1 मिलीमीटर एंड आउटर डायमीटर 1.1 मिलीमीटर. I am considering inner diameter is D1 and outer diameter is D2. When it is kept vertical and partially dipped in water, calculate the downward pull, that is, calculate F, yani force due to surface tension. Requirement is F, yani force due to surface tension. And bracket mein surface tension ka value diya hua hai 75 डाइन पर सेंटीमीटर. हमेशा की तरह हम डेटा में ऑब्जेक्ट का शेप लिखेंगे. ग्लास ट्यूब मतलब मैं लिख रहा हूं बच्चों ट्यूब, जिसमें आपको 2 डायमीटर दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं है. रिक्वायरमेंट इज एफ इज इक्वल्स टू हाउ मच. पहले डेटा को प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं. 1 mm को आप लिख दीजिए 1 × 10⁻³ meter, 1.1 mm, 1.1 × 10⁻³ meter, surface tension T 75 as it is, dyne per centimeter can be taken as 10⁻³ newton per meter. अब values proper form में है, SI unit में है, requirement is F. सो स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन के बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे. सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला टी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल सी. टी इज इक्वल्स टू बेटा एफ अपॉन एल सी, रीअरेंज कर लीजिए आप लिख पाएंगे एफ इज इक्वल्स टू टी इंटू एल सी. एंड स्टूडेंट्स, आप एल सी क्या कंसिडर करोगे, ट्यूब दिया है ना, तो आप एल सी क्या कंसिडर करोगे, 2 pi into R1 plus R2. दो रेडियस वाला फॉर्मूला, दो डायमीटर वाला फॉर्मूला, उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है. तो बच्चों आप क्या करिए, T as it is रखिए, into pi as it is रखिए. 2 times of R1 plus R2 can be taken as D1 plus D2 ना बेटा. डायमीटर इज नथिंग बट 2 times of रेडियस. डेटा के हिसाब से मैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिख रहा हूँ. सारे वैल्यूज है हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में. चलिए एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते हैं. सबसे पहले सरफेस टेंशन टी 75 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर इंटू पाई बेटा. यूजुअली आई यूज 3.142. दिस टाइम पर्पसली मैं यूज कर रहा हूँ पाई का वैल्यू 22/7. कैलकुलेशन इजी हो जाएगा इस डेटा में इसके लिए. इंटू D1 प्लस D2 बेटा. D1 प्लस D2 आप 10⁻³ कॉमन ले लीजिए, 1.1 प्लस करिए, यू विल गेट 2.1. ओके, ये कितना होगा बेटा, 7 × 3 = 21 ना, सो यू विल गेट 0.3 ओवर हियर, ये कैंसिल करके, सो आप इसे लिख पाएंगे 75 × 22 × 0.3 × 10⁻⁶.
-3 -3 -6. That can be taken as 75 into 22 into 0.3. कितना हो जाएगा बेटा? 6.6 into 10 raised to minus 6 as it is. 75 into 6.6 will become 495 into 10 raised to minus 6 as it is. दो डेसिमल शिफ्टिंग कर लीजिए, 4.95 बेटा, 4.95, so it will become into 10 raised to minus 4 न्यूटन. This much force is required, या फिर आप क्वेश्चन के हिसाब से कह सकते हैं this much downward pull is being required. 4.95 into 10 raised to minus 4 न्यूटन. स्टूडेंट्स, ये था हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल आज के फर्स्ट लेक्चर के सेशन बी का. मतलब टी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल सी, एंड वो जो टेबल हमने पढ़ा अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग एल सी, इन दोनों का यूज कैसे करना है वो हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया. सो आई होप यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फॉर्मूला टी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल सी एंड दैट टेबल जो हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एल सी के लिए फ्रेम किया. एंड नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, आज तो हमने सम्स कर लिए, फाइव इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन करेंगे, उस डेरिवेशन में भी ये फॉर्मूला एंड वो एल सी वाला टेबल दोनों यूज होगा. ओके okay?